अरे थोड़ी शांति रखो भाई। आज जाट महाकुंभ में सबसे पहले जो हमारे जिले नागौर के सूरवीर हुए वीर तेजाजी महाराज, उनका जयकारा लगाएंगे। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो, बोलो राजा सूरजमल जी की जय हो। आज महाकुंभ में आप लाखों की तादाद में जो इस समाज के सरदार आए हैं और जो मेरी माता और बहनें बैठी है, उन सबको मैं मेरी तरफ से राम राम अर्ज करता हूं। आप सबको राम राम। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय न दादू दयाल संप्रदाय के महाराज गोपाल दास जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा जी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब, कैबिनेट मंत्री लालचंद जी कटारिया साहब, राजा राम जी मील, विजय पूनिया जी, सुभाष मेहरिया जी, महेंद्र चौधरी जी, भागीरथ जी, इस मंच पर विराजमान अपने समाज के अनेकों अनेक नेतागण, मारे स्वामी बिराजोड़ा सभी जाट सरदारों और मारी माताओं और बहनों, अबार माऊ पूर्व वक्ता भाषण दियो और 1999 का आंदोलन की बात करी, जरा जाटा ने आरक्षण मिलियो तो माका जिला का लोग देखो, आपने बीच में स्यापा और पगड़ी वाला मिलेला बा नागौर की पहचान है। 1999 में 200 एमएलए में जाट आरक्षण का मंच पर डॉक्टर हरि सिंह जी, डो विजय पूनिया जी और डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी और 200 एमएलए में एक रिचपाल मिर्दा ही मंच माते आयो। रिचपाल मिर्दा एक मंच, एक एमएलए भी टाइम में आपके इस मंच पर आया था और अटल बिहारी जी ने अपने उस समय इसकी घोषणा की थी। तो अपने को गर्व से कहना है कि हम जाट हैं, हम गर्व से कहते हैं हम जाट हैं, और अपने को दूसरी कौमों को भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे नागौर में एक कहावत है कि एक लो सांड पिरंडो नहीं दे सके तो एक ला हांडू पिरंडो कौन लागे भया। 36 कौम ने साथे लेर चालनो चाहिए और राजस्थान में अबार वे तारा चंदीर मांगे, कोई जमीन मांगे, कोई काई मांगे हो, राजस्थान में 25% संख्या बतावे जाटा की और वो जेईयाड़ो सिंगो राखो करने छाती माते टेकर जाट लेवण की हिम्मत राखे। आ हिम्मत रो बरदान की दिखाओ नहीं भाया, काई मांगे जमीन और काई, अपने एक नंबर तो राजस्थान में कोई कौन बनावे आ देख ली थे, पर अपना राजस्थान में अनेकों अनेक नेता एडा हुआ जगह राजस्थान को राज बदलियो और दिल्ली को राज बदलियो। हमें चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, नाथुराम मिर्दा जेड़ा नेता हुआ जो कोई हिंदुस्तान को राज बदलियो और दिल्ली को और जयपुर को राज बदलियो, बेड़ी ताकत रखो नहीं, काई मांगो, मांगो तो नंबर दो को के हमारा आपकी राजस्थान में सेकंड होम मिनिस्टर जाटों का होगा, नहीं तो उतल के उसके सिंगा डाल देंगे। ये बात करो आप, क्या बात करते हो आप, सिंगा लियाओ साथ और लाखों की तादाद में उमड़ जाओ, कहीं भैया मांगनो है दो नंबर तो बनावे लो कोई, ये हूं नीचे कहीं जाओ ला बच्चे। होम मिनिस्टर जाटों का होना चाहिए, उसी सरकार को लाएंगे और उस सरकार को जिताएंगे, ये काम राजस्थान का जाट करेगा। मैंने ज्यादा कर मारवाड़ी में बोलने की आदत है, वहां से मैं आप सब माफी चाहूं, मैंने ये मंच माते है एक नंबर की डिमांड दो की नहीं, गाबा खेचे के बोल मती तो ही बोल। समाज ने हर व्यक्ति को मौका दिया है, जाट के बेटे को मौका दिया है, हर हम जाट के बेटे हैं। जो जाट का बेटा कहता है कि इन्होंने क्या किया वो क्या किया, जब नाथुराम मिर्दा और बलदेव राम मिर्दा ने किसानों को खातेदारी की जो जमीन जोतते उसको जोतने का हक दिलाया, ये काम किया उन्होंने इस कौम के लिए किया। अब भाइयों मैं ज्यादा मारा लारू वो खींचिया इमारत है करें और दूजो मौको आए जरा बोला, पर जाट वो स्वाभिमानी कौम है, मार्शल कौम है जो फौज में अपनी शहादत देती है और जिसने समाज के लिए किया उनको पहचानो
और जो समाज को बेचने का काम करता है उनको पहचानो, ये पहचान आपको होनी चाहिए। तो आपके मैं कीजिए की बातों को समर्थन करो, जरा हाथ उबा कर समर्थन करो। मैं जाट महाकुंभ में आप सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। और अनेकों अनेक नेता है, कोई बोलने से छूटे नहीं, आप हर के सब नेताओं के दो शब्द सुन के जाए, पर दो बातें याद रखनी है, दो नंबर की कुर्सी लेनी है और सिंगा डाल के लेनी है, सिंगा। ओ अरे एक नंबर कौन देवे आपने, एक नंबर कौन देवे, दो नंबर वो सिंगो आ जई ले लो नी भाई, आ जई और लेनो है। बोलो वीर तेजाजी महाराज की, राजा सूर्यमल महाराज की जय हो। श्रीमान भाइयों, टाइम बदल गया है, दो में नहीं मानेंगे, हमें एक नंबर चाहिए। एक नंबर, बोलो तेजा बाबा महाराज की जय। हम बॉर्डर पे भी एक नंबर पे हैं, ओलंपिक पे भी एक नंबर पे हैं, तो राजनीति में भी एक नंबर पे रहेंगे। बोल तेजा जी महाराज की जय। लोहा टाटा का, जूता बाटा का, छोरा जाटा का, दुनिया में कसूर है। अब मैं